रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। जैसे ही मामला सामने आया है उसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप सी मच गई है। इसको लेकर जो बताया जा रहा है कि पुलिस की जो हेल्पलाइन नंबर है 112 उस पर एक शख्स के द्वारा बम से उड़ाने की धमकी समस्तीपुर स्टेशन को दी गई थी और खास करके कहा गया था कि अगर दम है तो रोक के दिखा ले। और इसी मामले को लेकर पूरे पुलिस महकमे के अंदर हड़कंप मच गया। इसके बाद जो है एसपी विनय तिवारी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए इसका पता लगाने की कोशिश की और साथ ही जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं उन सभी अधिकारी को इसकी सूचना देने के बाद जैसे ही अधिकारियों को लगा कि इसको उड़ाने का मामला आया है लगातार आरपीएफ और जीआरपी की टीम जो है समस्तीपुर स्टेशन रोड के हर एक ट्रेन के अंदर सर्च अभियान चलाया। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर सर्च अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड की टीम से मदद से लगातार जो है इस मामले की छानबीन में जुट गई और आखिरकार जो है कि जिस शख्स ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी उजियारपुर अनगारगढ़ थाना क्षेत्र के चैता से उस शख्स को गिरफ्तार कर और थाने ले आई है। लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है इस मामले में। जो आज जो है कि उसके माँ बाप पहुँचे हैं और मुफस्सिल थाने में उस शख्स को रेलवे पुलिस ने सौंप दिया है और मुफस्सिल थाने पे जो उनकी माँ बाप है उस अपने बच्चे को गुहार लगाने के अलावा कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से जो है वो शख्स विकसित था और इसी वजह से उन्होंने फ़ोन पे इस तरह की घटना को घटने का अंजाम देने की जो धमकी दी थी। अब बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देशवा न्यूज़ के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज़ का मकसद नहीं, देशवा न्यूज़ की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।